अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपकी होस्ट तबीबा हज़ान और आज के लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूं। आज हम एडोब इलस्ट्रेटर पर बात करेंगे। आज मैं आप लोगों को इसके इंटरफेरेंस के बारे में बताऊंगी कि अपने लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को इस सॉफ्टवेयर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती चलूँ। बेसिकली ये सॉफ्टवेयर है किस चीज़ के लिए? बेसिकली ये सॉफ्टवेयर एक वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर है जो आइकन, लोगो, ड्राइंग, टाइपोग्राफी और इलस्ट्रेशन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये आप लोगों के सामने एडोब इलस्ट्रेटर का एक इंटरफेरेंस खुला हुआ नजर आ रहा होगा आप लोगों को। अच्छा, इस पर काम करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जरूरी है आपको अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करना। अगर आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं किया होगा तो आप एडोब इलस्ट्रेटर पर बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते। उसका तरीका मैं आपको बताती चलूँगी। आपको लेफ्ट साइड पर क्रिएट न्यू की ऑप्शन और दो ऑप्शन नजर आ रही होंगी, एक क्रिएट न्यू की और ओपन की। तो न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आपको क्रिएट न्यू की ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके अलावा नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का एक और भी तरीका है, यह आपको ऊपर मेन्यू सिस्टम नजर आ रहा होगा जिसपे फाइल, एडिट, ऑब्जेक्ट, टाइप, सिलेक्ट, इफेक्ट, व्यू नजर आ रहा है। आपने फाइल पर जाना है, क्लिक करना है, न्यू पर क्लिक करना है तो आपका डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। इसके अलावा आप एक शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं, Ctrl+N। ये तीन तरीके हैं जिसके थ्रू आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। जब आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, देखिए मैं जैसे ये कर रही हूँ, डॉक्यूमेंट क्रिएट न्यू पे क्लिक किया है तो मेरे पास ये एक इंटरफेरेंस खुला हुआ आ गया है। इस इंटरफेरेंस के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा लेफ्ट साइड पर, ये देखें, ये लेफ्ट साइड पर आपको नजर आ रहा होगा रिसेंट और सेव लिखा हुआ आ रहा है, एक ये लिखा, और लेफ्ट साइड पर ये सारी हैं प्रोफाइल्स, मोबाइल, वेब, प्रिंट, फिल्म, वीडियो एंड आर्ट एंड इलस्ट्रेशन। प्रोफाइल अकॉर्डिंग टू द मीडियम दैट डिजाइनर रिक्वायर्ड, मतलब डिजाइनर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये फाइल्स दी गई हैं। डिज़ाइनर जो है वो दो तरह के मीडियम यूज़ करते हैं, एक होता है प्रिंट मीडिया, एक होता है डिजिटल मीडिया। प्रिंट मीडिया पे आपके पास आ जाती हैं ऑल रिलेटेड टू प्रिंट मीडिया, जैसे कि लेटर हेड हो गया, कार्ड्स हो गए, विजिटिंग कार्ड्स हो गए, ये एक्सेट्रा, ये सारे आते हैं प्रिंट मीडिया में। डिजिटल मीडिया में आपके पास आ जाता है मोबाइल, वेब, फिल्म एंड वीडियो। अच्छा, ये आपको जो नज़र आ रहा है आर्ट इलस्ट्रेशन, ये प्रिंट और डिजिटल मीडिया दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम क्लिक करते हैं प्रिंट मीडिया पर, ये देखिए मैंने क्लिक किया प्रिंट मीडिया पे तो आपके पास ये प्रीसेट्स खुले हुए आ गए। ये जो लेटर, A4 साइज, प्रिंट, लार्ज, लीगल, टैबलेट, ये सारे हैं प्रीसेट्स। ये प्रीसेट अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट हुए हुए हैं। अच्छा, अब मैं देखिए इस पर क्लिक करती जाऊंगी तो इनकी विड्थ और हाइट ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। इनकी विड्थ, इसी तरह ये क्या कहते हैं, हम डिजिटल मीडिया पे जाएंगे तो ये देखिए मोबाइल पर हम गए हैं तो मोबाइल की स्क्रीन के अकॉर्डिंग प्रीसेट्स दिए हुए हैं। फिल्म एंड वीडियो की पर जाएंगे तो अकॉर्डिंग टू द ब्रॉडकास्ट मेथड प्रीसेट्स अवेलेबल हैं। इसी तरह इनकी भी विड्थ और हाइट चेंज होती रहेगी। वापस आते हैं प्रिंट पे। इसका फायदा मैं आपको ये बताती हूँ कि हमें इनकी विड्थ और हाइट चेंज नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम इनकी विड्थ और हाइट चेंज नहीं कर सकते। हम इनकी विड्थ और हाइट चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, विड्थ और हाइट के साथ आपको नजर आ रहा होगा यूनिट्स। अब प्रिंट मीडिया के लिए जो यूनिट्स, हमने जो स्टैंडर्ड यूनिट सेलेक्ट किया हुआ है वो है इंचेस, इंचेस यूज होते हैं, ठीक है। जबकि डिजिटल मीडिया के लिए, चाहे वो वेब हो, मोबाइल हो, फिल्म एंड वीडियो हो, उसके लिए एक ही पिक्सल्स यूज होते हैं, एक ही यूनिट यूज होते हैं पिक्सल्स। बाकी जो है वो हम अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप चेंज कर सकते हैं अपनी यूनिट्स। जो रिक्वायरमेंट आपके क्लाइंट की होगी कि हमें इतने में चाहिए तो वो आप इसके अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, यूनिट्स के साथ ही नीचे आपको नजर आ रहा होगा ओरिएंटेशन। ये दो ऑप्शन आपको नजर आ रही होंगी, एक लैंडस्केप और एक पोर्ट्रेट, इन दोनों में होती है। अगर आपने पोर्ट्रेट में बनाना है तो इसमें आपको नजर आ रहा होगा, देखिए इसकी विड्थ छोटी है और हाइट बड़ी है, और अगर हम लैंडस्केप पे करेंगे तो इसकी हाइट और विड्थ चेंज हो जाएंगे। विड्थ इसकी देखें बढ़ गई और हाइट चेंज हो गई है। अब ओरिएंटेशन के बाद आ जाता है ब्लीड। ब्लीड के बारे में आपके लिए सिर्फ जानना इतना जरूरत है कि ये इसको हम कहते हैं मार्जिन टू योर आर्ट बोर्ड। इसकी डिटेल में इतनी जाने की जरूरत नहीं है कि वो फिर बहुत ही लंबा हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों मीडियम के लिए जो कलर मोड यूज होते हैं वो है CMYK। CMYK जो है वो बेसिकली प्रिंट मीडिया के लिए यूज होता है और डिजिटल मीडिया के लिए RGB यूज होता है। ये दोनों कलर मोड बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आप जब भी कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना हो आपने तो ये दोनों कलर मोड बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ आपके लिए नीचे इसके आ जाता है रास्टर इफेक्ट। रास्टर इफेक्ट में के बारे में मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगी। मैं आपको बता दूं कि प्रिंट मीडिया के लिए जो रास्टर इफेक्ट आपको नज़र आ रहा है वो है 300 PPI ये, और RGB के लिए रास्टर इफेक्ट आपको मिलेगा, ठहर जाए, ये देखें 72 PPI ठीक है, ये RGB का है। CMYK और RGB के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, फिर इसके बारे में इसके रास्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं ये सब कुछ आपको मैं अगले लेक्चर में बताऊंगी। अभी के लिए आप लोगों के लिए सिर्फ इतना ही है, आप इतना ही याद रखें। और ये याद रखिएगा कि ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के स्टैंडर्ड्स और रिक्वायरमेंट्स है। इसके बगैर आप डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। बाकी की डिटेल्स मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद है। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।